समय पर गेहूं तुलाई नहीं होने से किसानों ने किया चक्का जाम। मौके पर एसडीएम एसडीओपी पहुंचे, तुलाई करने का दिया आश्वासन। अपना आदेश आ गया था यहाँ पर, अब आप कह रहे हैं 27 और 28 और 28 दो दिन थे हमारे पास। क्या हम कांटों को चेक नहीं कर सकते थे तुलाई के लिए? आसानी से हम चेक कर सकते थे, यहाँ का मंडी प्रबंधन आसानी से उसको चेक कर सकता था। मामला श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील का है, जहाँ कुछ दिन पहले ही साइलो बैग सलमानिया से बड़ौदा मंडी पर गेहूँ की खरीदी कार्य करने का आदेश दिया गया था, जिसपे हजारों की संख्या में किसानों की ट्रालियां एकत्रित हो गई और तुलाई कार्य न होने से किसानों को गुस्सा फूट पड़ा और जाम लगा दिया गया। किसानों के समर्थन में विधायक बाबू जंडेल भी आए, फिर शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मौके पर एसडीएम रुपेश उपाध्याय, एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत पहुंचे। उन्होंने तुलाई कल से शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं वर्तमान विधायक बाबू जंडेल किसानों के बीच पहुंचे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार निकम्मी है, किसानों की मेहनत के अनाज को नहीं ले रही है, किसान भूखा प्यासा कड़कती धूप में तड़प रहा है, मैं किसानों के साथ लड़ूंगा। अगर कल 12 बजे तक तुलाई कार्य चालू नहीं किया तो मैं किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करूंगा। प्रशासन मौके की नजाकत देखते हुए तुलाई करने का आश्वासन दिया गया। राजकुमार अंकोदिया, ब्यूरो रिपोर्ट, जिला श्योपुर।